इस स्ट्रैंड को कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड या प्लस स्ट्रैंड या मास्टर स्ट्रैंड, ये नाम इसको दिया जाता है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? Yes, कौन सा होगा ये? 3 एंड 2 5 एंड डायरेक्शन वाला। टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब ये इसकी जो सीक्वेंस है ना वो एग्जैक्ट सीक्वेंस आपको मैसेंजर आरएनए में या आरएनए में मिलेगी एग्जैक्ट। क्लियर है? और इसका जो अपोजिट जो पार्ट होता है ये वाला स्ट्रैंड इसको आप क्या कहोगे? नॉनसेंस स्ट्रैंड। क्या कहोगे इसको? नॉनसेंस स्ट्रैंड या दूसरा क्या कहोगे? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या माइनस स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। समझे मेरी बात को? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है? क्लियर है मेरी बात? नहीं, इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, इसको कहेंगे नॉन कोडिंग, ठीक है? हाँ, इसको कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, इसको कहेंगे नहीं, ऊपर वालों को नॉन कोडिंग कहेंगे ना, ऊपर वाले इसको कहेंगे नॉन कोडिंग और इसको कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। मैं यही कह रहा हूं, गलत बोला था? हाँ, इसको नॉन कोडिंग कहेंगे, इसको कोडिंग कहेंगे। ठीक है, देखो बेटा, अब हम यहां पर क्या कह रहे हैं दूसरा पॉइंट में, अब हम ट्रांसक्रिप्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा टर्मी नेशन। हम किसी भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। क्लियर है? सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं यहां पर? इनिशिएशन की बात करते हैं। जब इनिशिएशन की बात करते हैं तो इनिशिएशन में हमारे पास में ट्रांसक्रिप्शन को सबसे पहले स्टार्ट करना है, और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में एंजाइम का होना जरूरी है, जैसे मैंने अभी कहा था। और वो कौन सा एंजाइम होगा? आरएनए पॉलीमरेज होगा। कौन सा होगा? आरएनए पॉलीमरेज होगा। जैसे मैं फर्स्ट बोल रहा चाह रहा था तो मैं क्या कहता, अगर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होगा तो वह आरआरएनए बनाएगा, अगर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होगा तो एमआरएनए बनाएगा, और थर्ड होगा तो टीआरएनए बनाएगा। यही बात है, लेकिन मैंने यहां पर क्या कहा है? आरएनए पॉलीमरेज है। अब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज जिस पॉइंट पर आकर के अटैच होता है, इनको मिटा देता हूं मैं, आरएनए पॉलीमरेज जिस पॉइंट पर आकर के अटैच होता है, जैसे सपोज करो मैंने ये कहा यह आरएनए पॉलीमरेज है, ये आकर के आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, जिस जगह पर वो अटैच होता है उस साइट को कहा जाता है प्रमोटर साइट। अब आप कहोगे कि सर वो कौन सी होगी, तो कहीं भी अटैच हो सकता है? ऐसा नहीं है, कुछ इसके पॉइंट होते हैं कि ये कहां अटैच होगा, लेकिन अल्टीमेटली जिस जगह पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के अटैच होता है उसे आप प्रमोटर साइट कहोगे।
ये ध्यान रखने वाली बात इसलिए है क्योंकि सॉरी, जब हम लेकोप्रोन वाले कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे ना, वहां पर भी हमारे पास में प्रमोटर साइट ऑपरेटर साइट की जरूरत पड़ेगी, और वहां हम ये देखते हैं कि भाई ये काम कैसे करेगा, प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके जाना और नहीं जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर प्रमोटर साइट आगे मूव किया, आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव किया, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस गोइंग ऑन, और नहीं मूव कर रहा है, रोड़ा बीच में आपने अटका दिया है, तो कहां से जाएगा प्रोसेस? वो तो लेकोप्रोन में हम बात करेंगे उसका थोड़ा सा, बट ध्यान रखना है हमें। लेकिन हमने क्या कहा, ये जिस जगह पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के अटैच होता है उसको आपने क्या नाम दिया, प्रमोटर साइट। उस प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करने का काम सिग्मा फैक्टर करता है, यानी कि ये पॉइंट क्या करता है, सिग्मा फैक्टर करता है। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, रिकॉग्नाइज द प्रमोटर साइट, वो प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करता है। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो प्रोकैरियोट में ये प्रमोटर साइट क्या है, हम बात करते हैं ना प्रोकैरियोट में ये प्रमोटर साइट क्या है। तो जब हम इस प्रोकैरियोट की यहां पर हम जब बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट में हम क्या कहते हैं, अब मैं दो अलग अलग तरीके से बोलूंगा, आप जो अच्छा लगे वो समझ लेना। प्रमोटर साइट यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जहां अटैच होता है, आरएनए पॉलीमरेज कहां अटैच होता है इसको समझना। हमने क्या कहा, आरएनए पॉलीमरेज जिस जगह पर आकर के अटैच होता है वो प्रमोटर साइट है, तो प्रमोटर साइट से 10 नाइट्रोजीनस बेस पेयर पहले, क्या कहा हमने, प्रमोटर साइट से 10 नाइट्रोजीनस बेस पेयर पहले एक 6 नाइट्रोजीनस बेस पेयर का एक सीक्वेंस प्रेजेंट है। क्या है, सीक्वेंस प्रेजेंट है, कितना, 10 नाइट्रोजीनस बेस पेयर पहले 6 नाइट्रोजीनस बेस पेयर का एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोकैरियोट में। उस सीक्वेंस को हम कहते हैं प्रिबनोबॉक्स, क्या कहते हैं, प्रिबनोबॉक्स। वो सीक्वेंस कौन सा है, 6 नाइट्रोजीनस बेस का, टी ए टी ए ए टी, यानी कि ए रिच एरिया होगा, जहां पर एडेनाइन का अमाउंट ज्यादा होगा, ए रिच एरिया है, टी ए टी ए ए टी, 6 है, देख लो 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजीनस बेस पेयर हैं। जिस जगह पर प्रेजेंट होगा उसे आपने नाम दिया प्रिबनोबॉक्स, जिसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्कैटर, कौन सा था, स्कैटर, SCHATER। समझ में आई, क्लियर है? या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जहां पर भी, जिस जगह पर भी सिग्मा फैक्टर को ऐसा लगा कि 6 नाइट्रोजीनस बेस पेयर का ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, प्रिबनोबॉक्स जिस जगह पर प्रेजेंट है, टी ए टी ए ए टी जिस जगह पर प्रेजेंट है, उसके 10 नाइट्रोजीनस बेस पेयर बाद में जाकर के आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है, ऐसा कह सकते हो आप। समझ में आई या नहीं, दोबारा समझाओ। अब इस तरीके से समझना, आपसे कोई बंदा कहे कि कोटा क्लासेस जाना है, हमने कह दिया कि नकोदर चौक से अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर की दूरी पर राइट हैंड की ओर कोटा क्लासेस है, नकोदर चौक हमने लैंडमार्क ले लिया, आ गया आपके पास पॉइंट, आ गया। या मैं आपसे ऐसा कहूं कि कोटा क्लासेस के पास आप जाओगे तो कोटा क्लासेस से पास आप खड़े होकर के देखोगे तो थोड़ी सी दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर नकोदर चौक है,
समझ रहे मेरी बात को? सेम वही चीज मैंने कही है कि यहां पर अगर प्रमोटर साइट है तो प्रमोटर साइट से 10 नाइट्रोजीनस बेस पेयर पहले एक 6 नाइट्रोजीनस बेस पेयर का सीक्वेंस है, उसको हमने प्रिबनो बॉक्स का जिस सीक्वेंस TATAAT है लिखा हुआ, समझ में आया? या फिर मैं आपसे यह कहूं कि जहां पर यह लिखा हुआ है TATAAT, ठीक है, उससे 10 नाइट्रोजीनस बेस पेयर के बाद में जाकर के आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा, वो ही प्रोमोटर साइट है। समझ में आई मेरी बात को? ये लिखा हुआ है, जैसे आपसे कहे ना, आप जब आए होंगे, फर्स्ट टाइम आए होंगे, तो आपने हमने कहा होगा कि नकोदर चौक से थोड़ी से आगे चलो, DLF मॉल के साथ ही बाहर देखना, कोटा क्लासेस लिखा हुआ है। सेम वो भी यहां लिखा हुआ है, हमें आइडेंटिफाई ये ही करना है यहां। समझ में आई मेरी बात को? तो हमने क्या कहा, ये किसकी कंडीशन है? ये प्रोकैरियोट में कंडीशन है, इसको टाटा बॉक्स नहीं कहते, अभी बताता हूं अभी, ठीक है। अब दूसरा आता है यूकैरियोट। अब क्या आता है यूकैरियोट? तो यूकैरियोट में प्रोमोटर साइट से 20 नाइट्रोजीनस बेस पेयर पहले 20 नाइट्रोजीनस बेस पेयर बिफोर 7 नाइट्रोजीनस बेस पेयर सीक्वेंस इज प्रेजेंट, कि 7 नाइट्रोजीनस बेस पेयर का एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, उस सीक्वेंस को जैसे राधिका कह रही है, हम टाटा बॉक्स भी कह सकते हैं, या फिर हम उसको दूसरा क्या कह सकते हैं, हॉगनीज बॉक्स भी हम उसको कह सकते हैं। समझ में आई मेरी बात को? हम इसको टाटा बॉक्स भी कह सकते हैं और हॉगनीज बॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो टाटा बॉक्स हमारे सामने जो प्रेजेंट है, इसका सीक्वेंस क्या होगा? आप कहोगे TATAAT, देखो 6 हो गए,